हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग अब तक समुच्चय में दो प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। यदि आप उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। हम समुच्चय में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं समान समुच्चय पर। किस पर बात कर रहे हैं? समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय किसे कहते हैं? तो समान समुच्चय की बात करें अगर हम लोग, तो समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय होते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, दो समुच्चय। हमारे पास एक समुच्चय है, दूसरा समुच्चय कौन है? बी। समुच्चय ए में हमने क्या लेख रख लिया है? कोई अवयव 1, 2, 3, 4 रख लिया। और समुच्चय बी में हमने रख लिया 4, 2, 3, 1, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि समुच्चय ए और बी जो दोनों हैं वो क्या आपस में बराबर हैं, अर्थात ए बराबर क्या है? बी। यदि ए बराबर बी हुआ तो हम लोग बोलेंगे समुच्चय क्या है? समान है। यदि ए बराबर बी नहीं हुआ तो बोलेंगे समुच्चय समान नहीं है। अर्थात हमें यह देखना होगा कि समुच्चय ए का अवयव बी का भी अवयव होना चाहिए। क्रम चाहे जो भी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समुच्चय में जो अवयव हैं वो अवयव जो हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर और समान होने चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास कौन है? एक है। यहाँ भी हमारे पास कौन है? एक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास कौन है? दो है। यहाँ भी हमारे पास कौन है? दो है। यहाँ देख पा रहे हैं आप हमारे पास क्या है? तीन है। यहाँ हमारे पास क्या है? तीन है। यहाँ कौन है? चार। यहाँ भी कौन है? चार। अर्थात सभी अवयव ए के और सभी अवयव बी के आपस में क्या है? समान है। इसलिए समुच्चय ए जो है वो बी के क्या है? बराबर है। इसलिए ये दोनों समुच्चय आपस में क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए व बी, जिसमें ए व बी जिसमें एक का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव, बी का भी अवयव हो, बी का भी अवयव हो, समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। अर्थात हम लोगों ने आप जो आपको बताया वो हमने क्या लिख दी है परिभाषा में, कि समान समुच्चय किसे कहते हैं? ए और बी में क्या होने चाहिए? दोनों में अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। उदाहरण में आप यही दो उदाहरण क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे दो समुच्चय ए और बी, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, समान समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अर्थात ए बराबर बी, अर्थात ए बराबर बी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समान समुच्चय के बाद। हमारा अगला टॉपिक होगा उप समुच्चय। क्या होगा? उप समुच्चय। उप समुच्चय, ध्यान से देखिए उप समुच्चय। अब हम जितने भी समुच्चय के बारे में बात करेंगे वहां कम से कम हमारे पास दो समुच्चय तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे हमने समान समुच्चय में बात करी तो हमारे पास कौन कौन समुच्चय? समुच्चय ए और समुच्चय बी था। उसी प्रकार से हमारे पास कौन सा है? उप समुच्चय की बात कर रहे हैं तो उप समुच्चय में हमारे पास कौन? दो समुच्चय फिर से होंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय कौन है? ए है। दूसरा समुच्चय कौन है? बी, ठीक है। समुच्चय ए में हम लोगों ने क्या लिख रखा है? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। और समुच्चय बी में हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यक्स सच दैट यक्स, या रोस्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हमारा ठीक। ध्यान देखिए कि उप समुच्चय किसे कहते हैं। उदाहरण ध्यान देखिए कि हमने ए में लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और बी में हमने क्या लिखा है? बी में सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है ना। अगर ए का प्रत्येक अवयव क्या हो जाता है? बी में हो जाता है, तो ए को क्या? ए को बी का
ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात आपको छोटी सी बात में ध्यान रखना है कि उपसमुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? कम होती है। या आप ये समझ सकते हैं कि जो छोटा वाला समुच्चय होता है वो हमारा कौन सा समुच्चय होता है? उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ए है और ए में कम अवयव है, और जो हमारा बी है उसमें क्या है? ढेर सारे अवयव है। तो ये जो हमारा बी है वो उसमें ए क्या है? पहले से विद्यमान है, इसलिए ए जो है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है ना? आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। कैसे? परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें तो परिभाषा लिखेंगे ऐसे दो समुच्चय ए और बी, ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिसमें ए का अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और इसे ए क्या और इसे ए सबसेट बी, ए सबसेट, ये सबसेट का चिन्ह है उपसमुच्चय का, बी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिसमें ए का अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और इसे ए उपसमुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, अगर आप उदाहरण लिखना चाहें उदाहरण में लिख लीजिए समुच्चय ए में हमने लिख दिया है ए बी सी डी ई। ठीक है? या आप इसी की जगह यहाँ करके क्या और दूसरा लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है? और समुच्चय बी जो लिख रहे हैं, समुच्चय ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक लिख देते हैं? जेड तक लिख देते हैं। तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो ये ए समुच्चय है वो बी का क्या है? सबसेट है। जो समुच्चय ए है वो बी का क्या है? सबसेट है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए क्या है? छोटा है। या समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय किस में है? बी में है, इसलिए समुच्चय जो ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है ना? उपसमुच्चय के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपसमुच्चय के बाद समुच्चय में संख्याओं को प्रदर्शित करना, समुच्चय में संख्याओं को क्या करना? प्रदर्शित करना। जैसे आप देख पाए कि जैसे हम लोगों ने क्या लिखा? धन पूर्णांक लिखा। ठीक है? हमने सबसे पहले आपको समझा देते हैं ये हमारी क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा में ये कौन है? शून्य है। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो कौन? माइनस। यहाँ कौन? एक। यहाँ कौन? दो। यहाँ तीन, चार, पाँच। ठीक है ना? ये हमारा, इसी प्रकार से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस एक, ये कौन? माइनस दो। ये कौन? माइनस तीन। इधर की तरफ ऐसे बढ़ते रहेंगे तो ये सब ऐसे आएगा। ठीक है ना? अगर आप इधर देखें तो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक तो सभी को कहते हैं,
ठीक है ना। लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं, इसीलिए इसे I प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये भी पूर्णांक है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं, इसलिए इसे I माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, सभी संख्याएं अगर हमारे पास ले ली जाए तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती, वो पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर से। किससे, इंटीजर से। परिमेय संख्याएं किसे, परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को किससे, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब संख्याओं को प्रदर्शित करने के क्या है हमारे पास तरीके हैं। जैसे हमने लिखा एक दो तीन, यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये धन पूर्णांक, इसलिए इसे क्या से प्रदर्शित करेंगे, आई प्लस से प्रदर्शित करेंगे। यदि हमें आई माइनस लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगी, आई माइनस। अगर आर लिखना है तो आर में क्या लिख सकते हैं, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं, और कौन सी वास्तविक संख्याएं, इन सबको किसमें, आर से डिनोट करते हैं, आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे, क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये समुच्चय में संख्याओं को प्रदर्शित करने के क्या है आपके पास, उस तरीके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, उप समुच्चय हम लोगों ने पढ़ा, उप समुच्चय के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं घात समुच्चय। क्या, घात समुच्चय। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या। ठीक है ना, देखिए आपसे कोई समुच्चय देख करके ये पूछा जाएगा कि बताइए इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। जैसे हमने एक समुच्चय लिखा दो तीन, क्या लिखा, दो तीन, तो हमें क्या बनाना है, इसमें उप समुच्चयों की संख्या बतानी है या उप समुच्चय बनाना है, क्या बनाना है, उप समुच्चय। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, देखिए उप समुच्चयों की संख्या में हमें उप समुच्चयों की संख्या लिखनी है, तो इसे कैसे लिखेंगे, किसी भी समुच्चय के में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n, कितनी होती है, 2n। तो हम लोग इसे इसे उप समुच्चयों की संख्या जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले फाई, क्या लिखेंगे, फाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहला अवयव लिखेंगे, कौन सा अवयव, सबसे पहला अवयव, फिर कौन, दूसरा अवयव, फिर कौन, दोनों को मिला करके। ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास कितने उप समुच्चय आ गए, एक दो तीन चार। ठीक है ना, जहां जहां यन समुच्चय में, जहां यन समुच्चय में अवयवों की संख्या है, अवयवों की क्या है, संख्या। ठीक है ना, आप जैसे हमारे पास ये समुच्चय ए है, ठीक है ना, यहाँ हम लोगों ने इसका क्या बनाया है, उप समुच्चय, क्या बनाया है, उप समुच्चय। ठीक है ना, यहाँ देखिए हमारे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, एक और ये कौन सा, दूसरा। हमारे पास समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं। हमें सूत्र पता है कि किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2n क्या होती है, यन, यन बराबर कितना हो गया, दो, तो 2n करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, जैसे हमारे पास कोई दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं बी, ठीक है ना, बी में ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, किसी भी समुच्चय का जो उप समुच्चय होता है उसमें सबसे पहले कौन लिखा जाता है, फाई। तो याद रख लीजिए कि किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय जो होता है वो कौन होता है, फाई होता ही है। फाई कौन होता है, होता ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे,
जो अवयव दिए गए हैं उन्हें एक एक करके लिखेंगे, फिर अवयव को कैसे दो दो करके लिखेंगे, फिर अवयव को क्या जितने दिए गए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास कितने अवयव हैं? तीन हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक एक से, एक एक लिखते हैं, ए फिर क्या बी फिर क्या सी, अब हम क्या लिखेंगे एक और दो को मिला के लिखेंगे, फिर अब दो दो लिख रहे हैं तो दो दो को ही लिखेंगे, फिर और कौन छूट रहा है, ए और सी छूट रहा है, फिर आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी और सी साथ में, ठीक है ना। आपको स्पष्ट है कि हमारे पास कितने अवयव हैं? तीन अवयव हैं। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, टू की पावर कितना हो जाएगा? तीन। टू की पावर तीन का मतलब कितना? आठ, ठीक है ना। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हमारे पास कितने अवयव हो गए? आठ अवयव, ठीक है ना। आगे देखिए, आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको उपसमुच्चय निकालना क्या हो गया होगा, आ गया होगा, ठीक है। अगर एक और भी उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो समुच्चय ले लीजिए कोई सी, क्या ले लीजिए सी, समुच्चय सी में हम ले लेते हैं क्या पाँच छ सात आठ, ठीक है ना। अगर आप देखें तो यहाँ कितने हैं? चार चार, कितने? चार अवयव हैं, चार अवयव हैं। तो टू की पावर कितना हो जाएगा? चार। टू की पावर चार का मतलब कितना? सोलह। टू की पावर चार का मतलब कितना? तो इस समुच्चय के कितने बनेंगे उपसमुच्चय? सोलह उपसमुच्चय बनेंगे, ठीक है ना। आप बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी अगली हेडिंग है घात समुच्चय। क्या? घात समुच्चय, ठीक है ना। सबसे पहली बात घात समुच्चय, घात समुच्चय को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि घात समुच्चय को अंग्रेजी में पावर सेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पावर सेट। और पावर सेट में से पी को उठा लिया गया है, तो यहाँ क्या लिखा गया है? पी ऑफ ए। क्या लिखा है? पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, किसी भी समुच्चय के। अब देखिए घात समुच्चय, जिसको उप समुच्चय समझ आया है उसको घात समुच्चय समझने में आसानी होगी। कैसे? कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। सबसे पहले उदाहरण पर फोकस कीजिए। जैसे हमने उदाहरण लिखा है समुच्चय ए, हमने क्या लिया है? अवयव दो और तीन लिया है, ठीक है ना। आप तो इसका उप समुच्चय बता ही सकते हैं। इसका उप समुच्चय बताएंगे तो सबसे पहला उप समुच्चय कौन हो जाएगा? फाइव। अगला कौन सा हो जाएगा? दो, फिर कौन? तीन, फिर कौन? दो और तीन मिला करके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन है? फाइव। ये कौन? दो। ये तीन। और ये कौन? दो और तीन दोनों। तो कुल चार बनने हैं, चारों बन गए हैं, एक दो तीन और चार, ठीक है ना। अब हम पूछ रहे हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। तो हमने क्या परिभाषा बोली? हमने परिभाषा बोली है कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को, उप समुच्चय के समुच्चय को, अर्थात हम इसी चीज को क्या करेंगे, समुच्चय में यदि लिख देंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पावर सेट। क्या कहलाने लगेगा? पावर सेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? समुच्चय ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय। तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी? घात समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी, क्या? किसी समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हमने यह उदाहरण आपके लिए लिखा है, आप चाहें तो इसी उदाहरण को क्या कर सकते हैं? आगे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उदाहरण बता दें आपको, जैसे हमने कोई समुच्चय लिया है B, ठीक है ना।
वहां हमने क्या लिया, 1, 3, 5, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पी ऑफ बी बताइए, क्या बताइए, फाइंड द पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पी ऑफ बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बी के उपसमुच्चय लिखेंगे, बी के उपसमुच्चय, ठीक है ना, बी के उपसमुच्चय। अब बी के उपसमुच्चय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फाई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एक एक अवयव करके लिखेंगे हम, 1, फिर 3, फिर 5, फिर दो दो करके लिखेंगे तो 1, 3, फिर 3 और कौन 5, फिर 1 और 5, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अगला, 1, 3 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बन गया ना, क्यों, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर क्या होती है, n, और जहाँ जो n होता है वो समुच्चय में अवयव की क्या होती है, संख्या। तो यहाँ हमारे पास ये, ठीक है ना, हमारे पास कितने अवयव हैं, 3 हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, जिसका अर्थ कितना होता है, 8, ठीक है ना। अगर हमें पी ऑफ बी बनाना है तो पी ऑफ बी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उपसमुच्चय है उसका भी क्या ज्ञात कर लेंगे, समुच्चय। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट, और उपसमुच्चय को क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट, क्या कहेंगे, पावर सेट, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पावर सेट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, घात समुच्चय कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले समुच्चय का नाम है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, इसे यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है तो सार्वत्रिक समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, कि ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अन्य जो समुच्चय हैं वो क्या हो, विचाराधीन हो, क्या हो, विचाराधीन हो, तो वो जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अर्थात कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें से हम अवयव को निकाल करके नए नए समुच्चय क्या कर सकें, बना सकें, तो उस समुच्चय को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय विचाराधीन हो, सभी समुच्चय क्या हो, विचाराधीन हो, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय विचाराधीन हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्सल सेट का उदाहरण अगर हमें लिखना है तो उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, यू बराबर क्या, प्राकृतिक, ऐसे लिख देते हैं, 1, 2, 3, ठीक, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं,
सम संख्याओं का समुच्चय निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय निकाल सकते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय निकाल सकते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिसमें क्या हो, अन्य सभी अवयव, अन्य सभी समुच्चय क्या हो, विचाराधीन हो। क्या हो? विचाराधीन हो, तो वो समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या रहा है? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक। आगे हम लोग बढ़ें तो आगे हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्नावली वन पॉइंट थ्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहले सवाल में उन्होंने कहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये, ठीक है, या ठीक है, भरिए। क्या करिए? भरिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये प्रतीक किसका था? उपसमुच्चय। किसका था? उपसमुच्चय। ठीक है ना? तो हमें यहाँ ये भरना है या ये भरना है। ठीक है। पहली सवाल में उन्होंने क्या कहा है? पहली सवाल उन्होंने कहा है दो तीन चार। ठीक है ना? उन्होंने डॉट 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 खाली स्थान रखा है, 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 3 4 कहाँ से लिए गए हैं? इसमें से लिए गए हैं, अर्थात ये कैसा है? छोटा है, इसलिए यहाँ जो भरा जाएगा वो कौन है? ठीक है, ये भरा जाएगा। जिसमें ऐसा नहीं होगा उसमें उससे कट करते हुए भर दिए जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ हो जाएगा पहला, ये हमारा कौन सा है? दूसरा। दूसरे में देखिए, दूसरे में उन्होंने कहा है ए बी सी। क्या कहा है? ए बी सी डॉट डॉट डॉट। आगे उन्होंने दूसरे समुच्चय में लिखा है बी सी डी। क्या लिखा है? बी सी डी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ए है, बी है और कौन है? सी है। यहाँ कौन है? बी सी है और नया कौन है? डी। इसलिए यहाँ का सभी अवयव इसमें नहीं है, यहाँ का सभी अवयव इसमें नहीं है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी। यहां उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी। ठीक है ना? विद्यार्थी। फिर उन्होंने डॉट डॉट लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ठीक है। आप देखिए, उन्होंने यहाँ कहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब कि वो कहीं से भी हो सकता है, पूरे विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पूरे विद्यालय की बात हो रही है, जबकि यहाँ आपके विद्यालय के सिर्फ कक्षा 11 के विद्यार्थी की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो पूरे विद्यालय की अगर बात हो रही है, उसमें फिर सिर्फ कक्षा 11 के विद्यार्थी की बात हो रही है तो पूरे विद्यालय में तो कक्षा 11 आएगी ही आएगी इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका उपसमुच्चय। क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। ठीक है ना? अगली सवाल की ओर आगे बढ़े तो अगली सवाल में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। किसी समतल में स्थित क्या है? एक वृत्त स्थित है। ठीक है ना? एक वृत्त का मतलब यह है कि समतल में वृत्त क्या है? बने हैं। ये हमारा केंद्र है और समतल में कई वृत्त बन सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? 1 इकाई। भैया यहां क्या कहा गया? पहले समुच्चय में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक वृत्त। कहां? समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है। और दूसरे में उन्होंने कहा है डॉट डॉट डॉट, दूसरे समुच्चय में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स समान समतल में स्थित एक वृत्त जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या क्या है, एक इकाई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ उन्होंने कहा है समतल में स्थित एक वृत्त, मतलब हमारे पास कोई प्लेन है उसमें क्या है, वृत्त बने हैं, क्या बने हैं, वृत्त बने हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है हमारे पास फिर से यही समान समतल है और इसमें क्या बना है, वृत्त बना है, लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक है। ठीक है ना, समान समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक इकाई है। तो समतल में एक इकाई त्रिज्या के बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो समतल है उसमें त्रिज्या वृत्त तो खींचे जा सकते हैं, लेकिन एक त्रिज्या का भी हो सकता है, दो त्रिज्या का भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही है और यहाँ क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगली सवाल की ओर आगे बढ़े हम लोग। अगली सवाल में कह रहे हैं, सवाल नंबर 5 में, पहली की 5वीं सवाल, x such that x समतल में स्थित एक त्रिभुज क्या है। यहां से पहला वाला समुच्चय है उसमें बात हो रही है त्रिभुज की, किसकी बात हो रही है, त्रिभुज की। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। दूसरे समुच्चय में बात हो रही है किसी समतल में स्थित एक आयत, किसी समतल में स्थित एक आयत, यहां बात हो रही है किसकी, आयत की। ठीक है ना, यहाँ बात किसकी हो रही है, त्रिभुज की, यहाँ बात किसकी हो रही है, आयत की। तो आयत में से तो त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ भी हमारा क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, अगली सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखिए कह रहे हैं कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। और डॉट 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 दूसरे वाले ब्रैकेट में या दूसरे समुच्चय में बात हो रही है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, त्रिभुज की। ठीक है ना, तो ध्यान समझिए, यहाँ जो त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, और यहाँ जो त्रिभुज है उसमें क्या है, बहुत से त्रिभुज बनाए गए हैं, किसी में भुजा बराबर है, किसी में दो भुजा बराबर है, किसी में तीनों भुजा बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला जो चीज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, वो इस त्रिभुज में क्या होगा, मिलेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं भैया। सातवीं सवाल उन्होंने कहा है, सातवीं सवाल में क्या कहा है, उन्होंने कहा है यक सच दैट यक एक समप्राकृतिक संख्या, क्या कहा है, यक सच दैट यक एक सम प्राकृतिक, समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा है, दूसरे वाले में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, क्या कहा है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, क्या कहा है, पूर्णांक है, पूर्णांक। अभी हमने आपसे बताया था कि पूर्णांक कौन होता है, पूरी संख्या रेखा ही हमारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। जीरो भी हमारा एक शून्य पूर्णांक है, प्लस एक, माइनस एक, ये सब हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम है और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, सम है और क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इधर की तरफ बढ़ना है। और यहाँ क्या लिखा उन्होंने, पूर्णांकों की बात करी है, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे बढ़ोगे इधर सब सम संख्याएं मिलेंगी, इधर की तरफ क्या मिलेंगी, सभी सम संख्याएं मिलेंगी, और इधर केवल सम संख्या मिलेगी। तो ये जो सम संख्या है वो इसमें से लिखी गई है, इसलिए यहाँ जो भरा जाएगा वो कौन भरा जाएगा, उपसमुच्चय है का चिन्ह भरा जाएगा। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा है कि सत्य या असत्य बताइए, क्या बताइए, सत्य या असत्य बताइए। ठीक है ना, पहली सवाल में उन्होंने कहा है समुच्चय ए बी, समुच्चय ए कॉमा बी सबसेट नहीं है किसका, समुच्चय बी सी ए का, बी सी ए का। सबसे पहली बात आप बताइए कि समुच्चय ए और जो बी है क्या वो इसमें है, यदि है तो समुच्चय होना चाहिए था, जबकि यहां उन्होंने क्या लगा रखा है, उपसमुच्चय नहीं है। अगर उपसमुच्चय नहीं है
तो वो जबकि यहाँ हमें जो दिख रहा है वो क्या है, है ए और बी, बी सी ए में है तो उप समुच्चय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उप समुच्चय नहीं है, मतलब उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, इसीलिए ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। इन्हें क्या लगाना चाहिए था, यहाँ सत्य, यहाँ लगाना चाहिए था सबसेट, क्या लगाना चाहिए था सबसेट, ठीक है ना। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर दो में कह रहे हैं कि ए और वी ई क्या कह रहे हैं, समुच्चय ए कॉमा ई, फिर उन्होंने क्या लगाया, सबसेट का चिन्ह लगा दिया है और लिखा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, हमारे पास ए और ई है, ठीक है, फिर हमने सबसेट लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर लिखना है, स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ और कौन, यू, ठीक है। आप देखिए क्या ए और ई इस समुच्चय में है, तो यहाँ ए और ई दिख रहे हैं, इसलिए ए और ई इसमें है, इसलिए यहाँ यही चिन्ह लगना चाहिए था कि उप समुच्चय है, अतः ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, पहले दूसरे का तीसरा, ठीक है, दूसरे के तीसरे में कह रहे हैं एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, फिर उन्होंने सबसेट का चिन्ह लगाया है और क्या कहा है, और उन्होंने अगले में लिखा है एक तीन पांच, क्या कहा है, एक तीन और पांच, तो आप देख पा रहे हैं एक दो तीन है हमारे पास और एक तीन और कौन है, पांच, तो आपको दिख रहा है कि एक दो तीन जो है उसमें एक और तीन तो है लेकिन हमारे पास कौन, दो नहीं है, मतलब हमने पढ़ा है कि ये वाला जो समुच्चय है वो इसमें होना चाहिए जो कि है नहीं, और उन्होंने लिखा है कि है, इसलिए ये जो बात उन्होंने कही है वो कैसी बात है, गलत है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में कह रहे हैं कि समुच्चय ए सबसेट समुच्चय ए बी और कौन सी, आप देख पा रहे हैं समुच्चय ए जो है वो दूसरे वाले समुच्चय में है, यदि समुच्चय में हो रहा होता है तो आप कह देते हैं कि जो बात है वो कैसी है, सत्य है, और उन्होंने इस बार चिन्ह भी कैसा लगाया है, सबसेट का ही लगाया है, इसलिए ये वाली बात भी क्या है, सत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, तो अगले समुच्चय में उन्होंने लिखा है समुच्चय नंबर पांच, सवाल नंबर पांच में समुच्चय ए क्या है, एलिमेंट ऑफ, क्या है, एलिमेंट ऑफ ए बी सी, क्या लिखा है, ए बी सी, ध्यान से देखिए यहां इसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा है, ये एलिमेंट का चिन्ह है, किसका है, एलिमेंट, जैसे हमने कोई समुच्चय लिखा दो तीन पांच, ठीक है ना, तो हम लोग कहते हैं कि समुच्चय का निर्माण जिनसे मिलकर होता है, समुच्चय का निर्माण जिनसे मिलकर होता है वे समुच्चय के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, तो ये समुच्चय के हमारे पास क्या है, अवयव, ये समुच्चय के हमारे पास क्या है, अवयव है, तो इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं दो एलिमेंट ऑफ ए, मतलब दो जो है वो समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ उन्होंने लिखा है जो समुच्चय ए है वो समुच्चय ए बी सी का अवयव है, समुच्चय ए बी सी का क्या है, अवयव है, क्या ये बात सत्य है, अगर उन्हें लिखना था कि अगर ये इसका अवयव है तो ये मजला ब्रैकेट उन्हें लगाना नहीं चाहिए था, ये इसका उप समुच्चय लिखना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने मजला ब्रैकेट लगा दिया है, इसीलिए ये बात क्या है, गलत हो रही है, अतः ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। एक और भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर छः, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः देखिए, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स छः से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, ऊपर का मिटा रहे हैं यहां, देखिए क्वेश्चन नंबर छः पहले का, ठीक है, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या क्या है, छः से कम, छः से कम, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, कहा है कि सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या,
जो 36 को विभाजित करती है। यहाँ क्या लिखना है, एक प्राकृतिक संख्या लिखनी है, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को क्या करती हो, विभाजित, 36 को क्या करती हो, विभाजित करती हो। ठीक है, ध्यान देखिए, यहां हमें संप्राकृतिक संख्या लिखनी है, लेकिन किससे, 6 से कम, 6 से कम लिखनी है, तो 6 संप्राकृतिक संख्या 2 और 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि 6 भी इंक्लूड नहीं करना है, 6 से कम उन्होंने कहा है। यहां लगाएंगे सबसेट का चिन्ह, फिर यहां क्या बोला है उन्होंने, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 से क्या होती है, 36 को विभाजित करती है, तो प्राकृतिक संख्या एक भी 36 को विभाजित करती है, 2 भी करती है, 3 भी करती है, 4 भी करती है, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा और कौन, 18 करेगा। ये सभी संख्याएं क्या करेंगी, 36 को डिवाइड करेंगी, इसलिए ये सब हमारी क्या रहेंगी, दूसरे समुच्चय में लिखी जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 4 है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो समुच्चय 2, 4 है वो उप समुच्चय है इसका, मतलब 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 का, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी बात क्या रहेगी, सत्य। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या, पहले क्वेश्चन का नहीं है ये, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर किसका है, दूसरे का है, दूसरे का। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।